जी हाँ दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल पे। कॉलेज की परीक्षाओं पर काफ़ी बड़ी अपडेट आ रही है। जितने भी हमारे छात्र बीए, बीएससी, बीकॉम या एमएमएससी, एमकॉम कर रहे हैं, फर्स्ट ईयर के, सेकेंड ईयर के या थर्ड ईयर के छात्र हैं, स्नातक पर स्नातक परीक्षाओं पर शिक्षा मंत्री ने अभी काफ़ी बड़ा फैसला कर दिया है। इस यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम डेट 2022 की आप लोगों की कब से स्टार्ट होंगी और यहाँ पर आप लोगों के एग्ज़ाम में काफ़ी बड़े परिवर्तन कोरोना की फोर्थ वेव के चलते किए जाएंगे। आज काफ़ी बड़ा फैसला लिया जा चुका है यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स पर। जितने भी हमारे छात्र बीए, बीएससी, बीकॉम या एमएमएससी, एमकॉम कर रहे हैं, फर्स्ट ईयर के, सेकेंड ईयर के या थर्ड ईयर के छात्र हैं, अंत तक बने रहे। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों वीडियो के ठीक नीचे एक लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन होता है, उसको प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑन कर ले ताकि आगे भी कॉलेज की परीक्षाओं से रिलेटेड जो भी अपडेट जारी हो आप सभी तक सबसे पहले बिल्कुल सटीक पहुँचा जा सके। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को, बताते हैं आपको पूरी खबर। कॉलेज की परीक्षाओं पर आज काफ़ी बड़ा फैसला शिक्षा मंत्रालय ने जारी कर दिया। इस बार कोरोना की चौथी लहर के बीच में आप सभी की यूनिवर्सिटी परीक्षाएं होनी है। पहले एक्सपेक्टेशन लगाई जा रही थी कोरोना की फोर्थ वेव के चलते आप सभी की परीक्षाओं पर काफ़ी बड़ा संकट आ रहा है। यूनिवर्सिटी एग्जाम 2022 में आप लोगों के जो होने वाले हैं इस पर काफ़ी बड़ा फैसला आज यूजीसी ने कर दिया। आप सभी बता रहे यूजीसी का काफ़ी बड़ा बयान आया सामने, ऑफलाइन एग्जाम स्थगित करें विवि। जो विश्वविद्यालय ये आप सभी लोगों के जो ऑफलाइन एग्जाम होने हैं बीए, बीएससी, बीकॉम के, एमएमएससी, एमकॉम के, फर्स्ट ईयर के, सेकेंड ईयर के और लास्ट ईयर के जितने भी हमारे छात्र हैं इनके एग्जाम्स को ऑनलाइन कराया जाए। ये प्रस्ताव काफ़ी समय पहले से ही रखा जा चुका था कि इस बार कोरोना की वेव्स के चलते आप लोगों के स्वास्थ्य पर काफ़ी ज़्यादा खतरा है, इसलिए एग्ज़ाम ऑनलाइन होने चाहिए, ऑफलाइन ना होने चाहिए। क्योंकि यहाँ पे आप लोगों 2022 में रेगुलर क्लासेस नहीं लगी हैं, जितनी भी क्लासेस लगी हैं लगभग ऑनलाइन माध्यम में लगाई गई हैं। अब यहाँ पे आप लोगों के सिलेबस भी कंप्लीट नहीं हुआ जिससे आप लोगों की परीक्षाओं पर काफ़ी बड़ा संकट खड़ा हो रहा है। और आप लोगों के काफ़ी बड़ी अपडेट आ रही है परीक्षाओं पर, आज शिक्षा मंत्रालय ने काफ़ी बड़ा फैसला कर दिया। जितने भी हमारे बीए, बीएससी, बीकॉम और एमएमएससी, एमकॉम के एग्ज़ाम्स होने थे 2022 में आप सभी की परीक्षाओं को अब ऑनलाइन माध्यम में कंडक्ट कराया जा सकता है। लेटेस्ट अपडेट के अनुसार छात्रों का सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है और यहाँ पे सामने एक और फैसला सामने आया है जिसमें बताया गया कि सबसे पहले छात्रों का सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा। और ऐसी स्थिति में अगर नहीं हो पाया आप लोगों का सिलेबस कंप्लीट तो वहाँ पर छात्रों को प्रमोट भी किया जा सकता है। लेटेस्ट अपडेट के अनुसार कोरोना की फोर्थ वेव की घोषणा भी आईआईटी कानपुर के वैज्ञानिकों ने कर दी है। कोरोना की फोर्थ वेव अब आप सभी लोगों की जून और जुलाई 2022 में आएगी, भारत में दस्तक देगी। जून और जुलाई 2022 में ही आप लोगों के एग्जाम से मई, जून और जुलाई, ठीक है, तीन महीनों में कोरोना की वेव्स जो है मई से स्टार्ट हो जाएगी, जून जुलाई तक रहेगी, इसके बाद फिर एंड होने की संभावना व्यक्त की जा रही है। अब यहाँ पे मई, जून और जुलाई में ही हमारे जितने भी एग्जाम्स होने यूनिवर्सिटी के वो होने, क्योंकि अभी अगर बात करें हाल फिलहाल की दो तीन सालों पहले आप सभी के एग्जाम्स फरवरी और मार्च में हो जाते थे, लेकिन अब यहाँ अभी तक की आप सभी का सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हो पाया है। दसवीं और बारहवीं के छात्रों की तरह आप लोगों का सिलेबस कम नहीं किया गया, जबकि दसवीं और बारहवीं के छात्रों का 2022 के सत्र में सिलेबस काफ़ी ज़्यादा कम हो चुका था, लेकिन 2022 में ही आप सभी के यूनिवर्सिटी एग्जाम्स के जितने भी छात्र हैं इनका सिलेबस कम नहीं किया गया, जिसके कारण इनका अभी भी सिलेबस अधूरा है। अब यहाँ पर आप सभी की एग्ज़ाम डेट थोड़ी डिले हुई हैं, मई और जून तक के आप सभी के एग्ज़ाम्स होंगे। जैसे में आप लोगों के जो कोरोना की फोर्थ वेव ऐसे में आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा खतरा बढ़ रहा है और काफ़ी बड़ी अपडेट आ रही है, फिर से एग्जाम्स को ऑनलाइन माध्यम में कंडक्ट कराने के लिए काफ़ी जोर दबाव डाला जा रहा है। और यहाँ पे आप लोगों को बता दें काफ़ी बड़ी अपडेट आ रही है, जितने भी हमारे छात्र बीए, बीएससी, बीकॉम और एमएमएससी, एमकॉम के हैं 5 मई 2022 से आप सभी के एग्ज़ाम्स स्टार्ट होंगे और ऑनलाइन माध्यम में स्टार्ट होंगे, ऐसा अपडेट आ रहा है। काफ़ी बड़ी अपडेट आ रही है, जितने भी हमारे छात्र उनके लिए आगे जो अपडेट आएगी आप सभी तक पहुँचा जाएगी।